मंदिर में पहली बार राजभवन से निकल करके भोजपुर के इस माता के मंदिर में आपने माथा टेका है। माँ आपको जरूर स्वस्थ बनाए रखेंगी और आपको यशस्वी बना करके आगे बिहार का सेवा आपके हाथों होता रहे, देश का सेवा होता रहे, इसके लिए माता का वरदान आपके साथ है। भाई और बहनों, आज बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है और मुझे तुरंत महामहिम की कृपा से दिल्ली भी पटना होते हुए दिल्ली जाना है। वहां शाम को बैठक है, बड़ी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। मैं जब विशाल स्वास्थ्य शिविर के बारे में सुना, मेरे पास आमंत्रण आया, हालांकि आज मेरा बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम बाहर में था, मैंने सारे कार्यक्रम को स्थगित करते हुए मैंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा। अब आपको जानकारी होगी 2005 के बाद जो स्वास्थ्य में हम कह सकते हैं एनडीए सरकार में जो बिहार में स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हुई, बीच के एक आध साल का कालखंड जरूर हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2005 से स्वास्थ्य के मामले में बिहार काफी अच्छी भूमिका अदा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय बिहार सरकार की, जहां मुझे गर्व है कि आज हर चीजों से, चाहे वो दवाई हो, चिकित्सा हो या चिकित्सा उपकरण हो, चाहे अस्पतालों को सुसज्जित करने की बात हो, जब कभी भी प्रस्ताव बिहार का जो भी प्रस्ताव आता है मैं खोज खोज करके प्रस्ताव मंगाता हूं और सारे प्रस्ताव को केंद्र सरकार स्वीकृत करती है। करोड़ों रुपए की राशि बराबर हम प्रदान करने के लिए भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी वो झोला खोल करके उन्होंने कहा बिहार का जो भी प्रस्ताव आए उसको स्वीकृत करना है। ये बिहार के बारे में, देश के अंदर बिहार का एक नाम है। जहां आप इस स्थान पर आए, अमरेंद्र बाबू कह रहे ये प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का, पांडव का ये गुप्तवास भी यहां हुआ करता था, ये बात सही है। और संपूर्ण भोजपुर ये विश्वामित्र की तपोभूमि, भगवान राम की कर्मभूमि, यही भोजपुर बक्सर रहा जहां भगवान राम बाल्यकाल में आए और उन्होंने अपने शक्ति से विश्वामित्र के सानिध्य में धनुष्वान का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए महिषासुर का वध किया, मारीच को मार गिराया। ये वही राम है, राम कर्मवीर राम के रूप में कुएं को जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते, यही है स्वास्थ्य शिविर। स्वास्थ्य शिविर और मेगा स्वास्थ्य केंद्र लगा है। मैंने बिहार में, पूरे बिहार में 3 साल तक स्वच्छता कुंभ मेले के बाद, 3 साल के बाद स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य कुंभ मेला, 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेले इसी बिहार में लगे, 11,000, और जिसमें 3 करोड़ की चिकित्सक, जिनके बारे में कहते हैं कि चिकित्सक अस्पताल में नहीं है। मुझे मालूम है कि रात रात भर इसी नालंदा में 4 बजे सुबह में मैं पहुंचा था और वर्षा तब तक कर रहा था और डॉक्टर वहां रोगियों को देख रहे, यहां के चिकित्सक भी चिकित्सकों को कभी इस प्रकार का उनके बारे में कोई ओछी बात कह सकता है, ये ठीक है। समाज में हर वर्ग में कुछ न कुछ कमियां और खामियां होती है, चाहे राजनीति में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में। भाई और बहनों, हमारे मैंने पूछा वहां के चिकित्सक से क्या कारण, बोला यहाँ के लोग सामुद्रिक चीज ज्यादा खाते हैं और चलते फिरते मेहनत कम करते हैं, डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं और गैंग्रीन बीमारी से इनको पैर काटने का नौबत आ जाता है, इसलिए मुझे अच्छे डॉक्टर चाहिए। और मैंने तुरंत एम्बेसडर जो हमारे साथ थे उनको कहा कि भाई अच्छे डॉक्टर की पोस्टिंग करो, और उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ हमें योग का एक प्रशिक्षक चाहिए, और योग का शिक्षक भी हमने वहीं पर उनसे बात करके 1 सप्ताह के अंदर वहां दुबारू में योग का शिक्षक
और डॉक्टरों की एक टीम वहां कई वर्षों तक काम वहां से वहां